प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी के मेंस के पेपर को लेकर जो अच्छे संकेत आ रहे हैं कि भाई आपका पेपर है वो कब तक हो सकता है, किस महीने में, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ प्रूफ के साथ दिखाना चाहूँगा और जो आपके सिलेबस में क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा, और जो पटवारी का परिणाम है आपका इसी जनवरी माह में कब तक जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ें उससे पहले छोटा सा निवेदन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो उपेन यादव जी का एक ट्वीट आया था तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, मैं आपको पहले पढ़ के दिखाऊँगा फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें लिखा है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, ठीक है ना, JEE और PWD की संयुक्त भर्ती की विज्ञप्ति इसी महीने में जारी होगी, ठीक है ना, ये तो अलग बात है ना। उसके बाद पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम भी इसी महीने में जारी कर दिया जाएगा, और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का सिलेबस पहले वाला ही रहेगा जिसके जल्द निर्देश जारी होंगे, और 15 अप्रैल के बाद ही परीक्षा आयोजित होगी। देखो साथियों, इसमें थोड़ी बुरी बात तो ये है कि इसका जो सिलेबस है ना वो क्या है, पहले वाला ही रहेगा। तो लेकिन एक बात बताओ, जो पहले वाला सिलेबस ही आपको देना था तो भाई आपने दो पेपर क्यों करवाए? दो पेपर करवाने का मतलब है विद्यार्थियों के समय की बर्बादी, ठीक है ना। हो सकता है कि भाई एक पेपर, जब आपको यही सिलेबस देना था तो एक पेपर आप करवा देते और दूसरी भर्ती है उसको निकलने में थोड़ी सुविधा हो जाती, यानी थोड़ा टाइम और मिल जाता, ठीक है। तो ये जो 15 अप्रैल तक आपकी परीक्षा हो सकती है मेंस की, देखो साथियों यह एक अनुमानित डेट है। यदि मान लो कोरोना की जो लहर है इसी प्रकार जारी रहती है तो ध्यान रखना, मेंस तो क्या आने वाली और परीक्षाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं, ठीक ना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि भाई आपकी वीडियो की मेंस की परीक्षा है वो आपकी अप्रैल में हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी तिथि आपको आगे देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन शुभ संकेत ये है कि पटवारी का परिणाम आपको जल्दी देखने को मिलेगा, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है आपको जल्दी ही बुला लिया जाए, ठीक है ना। और कंप्यूटर अनुदेशक की जो साथियों फॉर्म भरने की जो एक विज्ञप्ति है वो हो सकता है इसी महीने में जारी कर दी जाएगी, क्योंकि सिलेबस तो इसका जारी कर दिया गया है। तो ये आपके लिए शुभ संकेत हैं कंप्यूटर और पटवारी के लिए, ठीक है ना। और बाकी साथी अपनी तैयारी करते रहें, सिलेबस वही जो बताए रहें यही है तो फिर यही रहेगा, ठीक है ना। वो देखने को मिल सकता है तो कोई 1-2% आपको देखने को सिलेबस में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। और बाकी अपनी तैयारी को बिल्कुल मन लगा के, तन मन धन लगा के पढ़ते रहो साथियों, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। वो धन्यवाद, कोई और अपडेट आती है आपको अवगत करवा दिया जाएगा। थैंक यू।